नमस्कार आदाब, आप फ्रीडम एक्सप्रेस में हैं और आप सबका स्वागत है। परसों दिल्ली के दंगों पे, दिल्ली के दंगों के साजिश के आरोप में उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई। उमर खालिद जेएनयू के चर्चित छात्र नेता रहे हैं। उमर खालिद लंबे समय से दलित आदिवासी और मुस्लिम एकता की बात करते रहे हैं। उमर खालिद का जो पीएचडी का सब्जेक्ट है वो भी आदिवासी जनजीवन पे ही है। उमर खालिद जब अपनी भाषणों में बात करते हैं तो उमर खालिद हमेशा डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की विरासत की बात करते हैं। तो हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए प्रमुख बुद्धिजीवी हैं और उसमें डॉक्टर उदित राज फॉर्मर एमपी हैं हमारे साथ, अनिल चमड़िया जी भी हैं, अनिल चमड़िया के सीनियर पत्रकार हैं, और अशोक भारती जी हैं। अशोक भारती जी नागडोर यानी दलित आदिवासी फेडरेशन के नेशनल चेयरमैन हैं। तो हम इन तीनों लोगों से बात करेंगे कि वो इन दिल्ली दंगों के की जो इंक्वायरी है, जो गिरफ्तारियां हैं, कुछ बुद्धिजीवियों के नाम उसमें आए हैं, और वो इसको कैसे देखते हैं। तो अशोक जी, मैं आपसे बात शुरू करता हूँ कि ये गिरफ्तारियां हुई और उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई, इसके पहले एक सिलसिला हमने देखा कि किस तरीके से भीमा कोरेगांव के मामले में कुछ बुद्धिजीवियों को और खासकर ऐसे लोगों को जो दलित कॉज के साथ खड़े हो रहे हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनको अभी तक जमानत नहीं है। अब उमर खालिद को यूएपीए के अंदर डाला गया दिल्ली की साजिश के बहाने। लेकिन उमर खालिद बड़े लंबे समय से दलित आदिवासी मुद्दों को उठाते रहे हैं, दलित मुस्लिम आदिवासी एकता की बात करते रहे। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? आप अपनी आवाज अनम्यूट करें। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं दो तीन चीजें आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि पहली बात तो मैं ये मतलब मैं तो अपनी समझ बताऊंगा आपको। हो सकता है कि मेरी समझ और आपकी समझ और मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनकी समझ में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो, और क्योंकि मैं राजनीति की गहराइयों से भी वाकिफ हूं, मैं समझता हूं कि जब से ये जो सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला मेरी समझ ऐसी है कि स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, ये प्लान्ड कैंपेन है जिसमें ज्यादातर लोग एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरी समझ ऐसी है कि जो बुद्धिजीवी, हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, चाहे अपूर्वानंद जी हों, चाहे प्रशांत भूषण जी हों, चाहे आनंद तेलतुंबड़े हों, और मैं ये नहीं मानता कि ये कोई जाति को लेकर दलित और मुसलमान के पीछे पड़े हैं। मेरा मानना यह है कि जो करंट रिजीम है वो किसी भी प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैं इसमें जाति और धर्म के एंगल को लाकर राइट विंग पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करना चाहता। मतलब आप लेकिन मान रहे हैं कि ये जो भी वॉयस है, जो डिसेंटिंग वॉयस है, जो सिस्टम के विरोध में उठने वाली है, जो आवाजें हैं, जो ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकंजा सरकार का कसरा है किसी न किसी बहाने से। निश्चित तौर पर जब हम ये मानते हैं कि अब जिस तरह से चल रहा है कि भारत एक डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का बहुत बड़ा नमूना पूरी दुनिया में हुआ करता था, हमारे यहाँ एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेट की अपनी पावर है, सेंटर की अपनी पावर है, सेंटर में हमारे यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर है, उनके नीचे एक मंत्रिमंडल, एक कैबिनेट है। ये हम इतिहास में पहली बार देख रहे हैं कि सारी की सारी पावर प्रधानमंत्री के कार्यालय में केंद्रित होती जा रही है। ये एक थोड़ा मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में सारी पावर केंद्रित हो जाए, लेकिन वो सिस्टम हमें साफ साफ सरकार को बताना चाहिए कि अब मंत्रियों की कोई औकात इस देश में नहीं है और केवल प्रधानमंत्री जो फैसला करेंगे वही माना जाएगा। हमारे संवैधानिक स्ट्रक्चर में, हमारे देश के राजनीतिक स्ट्रक्चर में अभी भी कैबिनेट की वैल्यू है, प्रधानमंत्री की वैल्यू है, लेकिन हम सब जानते हैं
कि एक पूरी तरह से धीरे 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 करके सारी ताकत एक जगह पे केंद्रित हो रही है, और ये मुझे लगता है हमारे आजादी के मूल्यों के खिलाफ जाता है, हमारे देश के मूल्यों के खिलाफ जाता है। अशोक जी, मैं आपकी बात से ये अंदाजा लगाता हूँ कि अगर सब कुछ पावर सेंट्रलाइज्ड है और जिस तरीके से एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम सारे मुद्दों पर विपक्ष के नेताओं पर, तो ये जो दिल्ली दंगों की जो इंक्वायरी चल रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो विपक्ष के नेताओं के नाम आ रहे हैं, तो ये भी उसी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है सेंट्रलाइज एजेंसी, ये जो जब आप पावर सेंट्रलाइज करते हैं तो आप सच्चाई नहीं देखते, आपको सच्चाई दिखाई नहीं देती, फिर आप अपने हिसाब से फैसला करते हैं। जिसकी बात आपको पसंद आ गई वो आपका दोस्त है, जिसकी बात आपको बुरी लग गई वो आपका दुश्मन है। अशोक जी की बात को बहुत ही एक लाइन में अगर मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं तो ये है कि स्क्रिप्ट पहले लिख दी गई है, अब भाषा उसकी दुरुस्त की जा रही है। जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट लिख दी गई है, भाषा थोड़ी दुरुस्त की जा रही है, थोड़ी सी भाषा उसकी थोड़ी सी गुदगुदाने वाली, थोड़ी सी रहस्यमय भाषा, यानी कि जो भाषा का जो खेल होता है वो भाषा का खेल चल रहा है। क्यों अशोक जी, मेरे ख्याल से यही बातें है। नहीं, मेरा मानना है कि ये पूरा प्लान्ड है, इसमें कोई चीज स्पॉन्टेनियस नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी 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 वेल ऑर्गेनाइज्ड। और हम चाहे ना चाहे जो प्रगतिशील लोग हैं उनके जो नारे हैं, उनकी जो समझ है, वो उनके प्लान का हिस्सा है। तो नारा तो अशोक जी ये भी लगा था, मतलब पूरे सीए के आंदोलन के दौरान संविधान, जय भीम, जय भारत, ये नारे लगे थे। मैं डॉक्टर उदित राज के पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या आप इसको देखिए, अगर एक देखिए कि किन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से, उनसे तो पूछताछ तक नहीं हुई। और जो लोग जंतर मंतर भाषण दे रहे थे, जो सेमिनारों में भाषण दे रहे थे, उनको साजिशकर्ता बताया जा रहा है, उनमें से लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्रायोरिटाइज किया है कि नंबर वन पर कौन है, दो पर कौन है, तीन पर है। नंबर वन पर तो मुस्लिम है, दो पर दलित है, और नंबर तीन पर जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं या अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसलिए कि जिस तरह से जामिया में एनटीसी का एजिटेशन चला, जाफराबाद में और जेएनयू में, तो सबसे ज्यादा उसके हमला हुआ है या धरपकड़ हुई है मुस्लिम एक्टिविस्ट के। उसके बाद में मुसलमान तो सामने का दुश्मन है, और सामने का दुश्मन बनाने में बीजेपी को फायदा है, तो उससे हिंदू पोलराइजेशन होता है, इसलिए ओपन दुश्मन मान के चलते, ओपन दुश्मनी दिखाते भी हैं, ताकि जो कॉमन पीपल है हिंदू समाज के, वो कहेंगे देखो मुसलमानों को ठीक करने का काम नहीं कर रहे। बाबर आया और हमारे साथ में बड़ा अत्याचार किया, अन्याय किया, और अब इनको दोष किया जा रहा है, हमारा हिंदू राज आ रहा है। दलितों को उतना ही लगभग नफरत करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है, जैसे निजीकरण के द्वारा उनको खत्म कर रहे हैं कि इनका जो स्रोत है इनके उसी को काट दो। आरक्षण से दलितों में शिक्षा भी आई और जागृति आई। अब दलितों ने भी डॉक्टर अंबेडकर को फेल किया, और इसलिए मैं कहूंगा फेल किया कि उन्होंने कहा जाति विहीन समाज की स्थापना करो, एकत्रित हो, लेकिन दलितों के अंदर जितना ज्यादा बहुजन जागृति के साथ में ग्रुपिज्म हुआ है,
जात में जाति उतना ज्यादा पहले शायद नहीं था, तो बाबा साहब को फेल किया है। लेकिन और आप अंदर से आप तो इसको नहीं, एक बात कंप्लीट करने दीजिए। तो हुआ क्या है कि जो वो अभी एकता है नहीं, तो आरक्षण खत्म कर देंगे तो शिक्षा अपने आप डाउन हो जाएगी और समाज डाउन हो जाएगी, और उसी को काट रहे हैं, यानी जड़ से साफ कर रहे हैं। कोई राजनीति में MLA MP बने दलित, उससे समाज का भला नहीं हुआ, वो कुछ व्यक्तियों का भला हुआ, लेकिन असली जागृति जो कर्मचारी अधिकारी है उसी ने, शिक्षक है उसने किया, और जो इसमें शिक्षा में आरक्षण हुआ सरकारी नौकरियों में, उसको समाप्ति करने में लगी हुई। तो दोनों को दुश्मन तो सामने, दोनों को दुश्मन मानते हैं, लेकिन एक दोनों से साथ लड़ते हुए दिखना नहीं चाहते हैं ताकि पोलराइजेशन इधर ना हो। और तीसरी बात है, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं जो आवाज ज्यादा उठा रहे हैं, तो उनको भी तंग करने का कोशिश किया जा रहा है। तो उमर खालिद को इसलिए टारगेट किया गया कि ताकि एक मैसेज जाता रहे लगातार, जैसे योगी ने अभी आगरा में जो मुगल म्यूजियम का नाम शिवाजी म्यूजियम रखा या घोषणा किया, तो उससे क्या इनका वोट बढ़ता है। तो ये धार्मिक उन्माद कहते हैं ना कि धर्म ऐसी ऐसा नशा है जो कि आदमी अगर उस नशे में आ जाता है तो सदियों उस होता रहता है। लेकिन उसी तरह का नशा इस समय इस देश की आम जनता को चलित। एक सवाल जो आपकी बात से निकल कर आता है, और आपको नहीं लगता है कि पिछले 5-6 साल कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर दलित नेता, दलित सिविल सोसाइटी जो है वो मुखर हुई है, एक समाज में चेतना आई है, तमाम सारे अशोक भारती जैसे नेता निकले हैं और अपनी बात कह रहे हैं, आप लोग बाहर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, तो एक मुसलमान के सामने मुस्लिम नैरेटिव के पीछे कहीं एक अंदर खाने ये भी नैरेटिव चल रहा है कि कोई जो दलित एक्टिविस्ट है, जो दलित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, या जो दलितों की आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट है, या ह्यूमन राइट के लोग हैं, कार्यकर्ता है, या बुद्धिजीवी है, इनको भी किसी न किसी तरह मुकदमों में फंसाओ, अंदर करो। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं इस बात को, लेकिन यह है कि एक तरफ जागृति है तो दूसरे तरफ बंटवारा भी बहुत है। चमार का ग्रुप अलग, धानुक का अलग, वाल्मीकि का अलग, खटीक का अलग, यह भी बहुत तेजी से उभरा है। तो जो जागृति होती है, जागृति में जो शक्ति इकट्ठा होती है, वो शक्ति का अंततः बंटवारा हो जाता है। अब क्या हुआ उत्तर प्रदेश में 2017 में, बीजेपी यह समझाने में कामयाब रही सपा और बसपा के खिलाफ, उधर कहा अरे यादवों के अलावा तुम्हें क्या मिल रहा भाई, कुर्मी है, तेली है, लोध है। अब दलितों में ये कहा कि अरे भाई चमारों के अलावा तुम लोगों को धोबियों, खटको, पासी या उनको क्या मिल रहा, उनको ये बात समझ में आ गई। तो क्या है कि जो नेतृत्व कर रहे हैं इनको ये खुद ही जातिवादी है, ज्यादातर जातिवादी है। दोनों तरफ से वार चल रहा है कि एक तो बंटवारा करो दलित जातियों में, और उनकी जो सिविल सोसाइटी निकल रही है या उनके साथ खड़े आने वाले लोग हैं उनको प्रताड़ित करो, उनको जेलों में डालो। अनिल चमड़िया जी, आप कैसे देखते, क्या आपको दिख रहा है कि ये जो भीमा कोरे गांव का केस जिस दिशा में गया, क्या दिल्ली दंगों के भी जो ब्लूप्रिंट है, जो कहानी जिसका आप कह रहे हो कि कंक्लूजन पहले लिख दिया गया है, तो क्या आपको ये कहानी दिल्ली के दंगों की जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, और उमर खालिद की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है, और उमर खालिद के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो किस तरीके से वो सामाजिक समन्वय की बात करते रहे हैं अपनी पब्लिक मीटिंग में, अपने लेखों में, आपको क्या लग रहा है, ये बड़ी पिक्चर आपको क्या दिख रही है? देखिए, एक बात बहुत साफ है, और मुझे लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के का जो एक फैसला आया डॉक्टर कफील के पर जो NSA लगाया गया था, उस NSA के लगाने के सरकार के फैसले के विरुद्ध जो
संवैधानिक जो स्थिति बताई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मुझे लगता है कि वो एक तरह से सबसे बड़ा चश्मा है इन तमाम चीजों को देखने। वो क्या है? वो है कि डॉक्टर कफिल ने पूरा भाषण अपना राष्ट्रीय एकता के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए दिया, हिंसा के खिलाफ दिया, अहिंसा के पक्ष में। लेकिन आपके पास एक पावर है और आपने ये तैर कर रखा है कि आप कुछ भी बोलेंगे हम उसको उल्टे सिरे खड़ा कर देंगे, तो आप इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप जैसे मान लीजिए कि एक आदमी भाषण दे रहा है राष्ट्रीय एकता पर, आप कहेंगे आप अखंडता की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो ये हालत है कि हमको तय कर लिया है कि उमर खालिद को तो इस केस में डालना ही डालना है, और इसलिए डालना है कि कम से कम 6 महीने कानूनी प्रावधान के अनुसार कम से कम 6 महीने तो ये जमानत की अर्जी भी नहीं ले सकते हैं। 6 महीने तो कम से कम जमानत की अर्जी भी नहीं डाल सकती इस तरह के कानून में डाल। तो भाई आप सोच लीजिए कि भीमा कोरेगांव का जो पैटर्न है, सब लोग जानते हैं, 80 साल की उम्र से ज्यादा के लोग, सब लोग सम्मानित लोग हैं, देश के लिए मरने वाले लोग हैं, उन लोगों को आपने एक बड़ा कॉन्स्पिरेटर के रूप में कर दिया। और वो चूंकि आपको सारी मशीनरी का आपको इस्तेमाल करना है, संविधान एक जगह है और संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उसका कैसे हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपने तय कर लिया है। तो आपने यही किया कि सारे के सारे लोगों को, रिटायर्ड लोगों को अपने जेल में डाला कि कम से कम 1-2 साल तो बंद होते हैं। और इस देश में देखिए एक मशीनरी तो पहले से मौजूद है जो ये बड़ी घमंड के साथ ये बात कहती है कि हमने आपको चोर कह दिया है, अब आपके साथ ये चोर का जो टैग है वो लग गया है। हाँ, आप टैग होल्डर हो गए हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी कभी भी जेल के अंदर जा सकता है, और वो जो जाएगा वो शरीफ आदमी है, तो समाज के लिए लड़ने वाला आदमी। दो पैटर्न बड़े साफ दिखाई देते हैं इन लोगों की आपकी बातचीत से। एक की स्क्रिप्ट पहले से तैयार है और वो स्क्रिप्ट के बीच की कहानी गढ़नी है पुलिस को और प्रोसिक्यूशन को। दूसरा कि जो भी, चाहे वो दलित है या मुस्लिम है, और वो अगर अपनी सिविल सोसाइटी कायम करता है, उसके पढ़े लिखे लोग आगे आते हैं, तो उनको किसी तरीके से आप हैरेस करें, उनको दमन करें उनका, उनको जेलों में डालें, मुकदमों में फंसा के। और एक प्रोसेस जिसकी अनिल जी बात कर रहे हैं कि भले ही 6 महीने बाद कोर्ट से छूट जाए डॉक्टर कफील की तरह, लेकिन वो प्रोसेस ही पनिशमेंट है, यानी जो प्रक्रिया है वही सजा है। 8 महीने 9 महीने आपको प्रताड़ित करके आपका हौसला तोड़ने की पूरी जो कवायद है वो दिखाई देती है। तो समय समय पर हम लोग फ्रीडम एक्सप्रेस में आपसे बात करते रहेंगे इस मुद्दे पर, और आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।